मम्मी चीनी कहाँ है? दुकान पे है। बेसन कहाँ दादी? होता कैसे है वो? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। अब बज रहे हैं सुबह के 5:30। मैं उठाने वाली हूँ आयुष को, और अभी मैंने उसके लिए रेडी किया है फ्रूट की प्लेट्स। और इसके आज 2-3 दिन की छुट्टियाँ ना, तो उसने अपने पापा से कहा हुआ था कि मेरे लिए कल मैक्रोनी डालना। जो मैक्रोनी है वो अपने पापा के हाथ से ही खाता है, तो उसके पापा भी यहाँ पर रेडी कर रहे हैं मैक्रोनी। काट रहे हैं शिमला मिर्च, पानी बॉइल्ड हो रहा है मैक्रोनी के लिए। अब डाल चुके हैं ये मैक्रोनी। सुबह सुबह इस बंदी ने मेरे को धमकी दिया है कि 2 दिन से मेरा बेटा बोल रहा है मैक्रोनी लेके जाऊंगा, आज जहां से मर्जी अगर नहीं हुआ तो हम दोनों की हो जाएगी फाइट। और मैं सुबह दुकान गया, वहाँ दुकान खुला नहीं था, और मैं खुलवा के इस पैसे लेके आ रहा हूँ। अभी देख लो घड़ी, गलती किसकी है? घड़ी देखो, अभी 6 मिनट। हाँ, मुझे पता है गलती किसकी है। गलती नहीं रुकी। क्यों यार, मुझे याद दिलाना चाहिए ना मैक्रोनी। अच्छा, कल शाम को जब हम लोग ना काम से वापस आ रहे थे, तब मैंने इनको बोला रास्ते में एक्टिवा रोको, सुबह के लिए मैक्रोनी लेके जाना, स्कूल लेके जाना। उसने नहीं दिया ना, 2-3 दिन से मैंने उसको बोल रखा था कि स्कूल के लास्ट छुट्टी में तेरे को दूंगी कि मैक्रोनी डाल के दूंगी टिफिन में, लेके चलो। एक कान से सुन के ना दूसरे कान से उड़ाई जा रहे हैं, उड़ाई जा रहे हैं। अब भूख तो मैंने भी फिर समझ लिया, अब नहीं कुछ बोलना, बस अब सुबह ही बोलूंगी जो। और दौड़ 4 चक्कर लगाते रहे आज, लगाते रहे। कुछ नहीं बोलना है, ऐसे बोल रहे हैं सुबह धमकी का पूरा प्लानिंग। हाँ। लिख के रखा हुआ था इसने एक पेज। हाँ। और वही इसने मेरे को बोला है, क्योंकि मैंने अपने बेटे को ना आज तक जो भी अगर मैंने कुछ भी अगर मैंने कमिटमेंट किया है ना, तो हमेशा मैंने कम्प्लीट किया। कमिटमेंट अगर आप किसी से करते हो तो उसको कम्प्लीट करो, नहीं तो कमिटमेंट मत करो। मम्मी, मैं जनक को दे रही हूँ एक चैलेंज, 15 मिनट में पकौड़े रेडी करने के। अच्छा, चलो आओ फिर खाते हैं। 15 मिनट्स इस बंदी ने मेरे को चैलेंज किया है। और बंदी क्या होते हैं? मम्मा, मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? मम्मी, चलो 15 के 16 दे देते हैं। इसने मेरे को बोला कुछ खाने का मन कर रहा है, पकोड़े मंगाओ। मैंने कहा घर पे जल्दी बनता है, जोमैटो करने का क्या फायदा। पर वो मानी नहीं। मैंने कहा 10-15 मिनट में तो घर में बन जाता, कहती हो ही नहीं सकता। तो आज मैंने ये 150 रुपए का इसको यहाँ पे रखा है। अगर 15 मिनट में मैं पकोड़े बना लेता हूँ, टाइम स्टार्ट कर लेना, तो वो पैसे मेरे, तो इसका डबल लेके जाऊंगा। ठीक है, अभी 150 है ना, 300 आप लेके जाओगे। अगर मम्मा ये ना बना पाए तो वो पैसे मेरे। ठीक है, ये चैलेंज के तौर पे मैंने यहाँ रख दिया, देखते हैं ये किसके हैं। आयुष के, आयुष के पापा के। 500 तो रखो कम से कम। नहीं, ये क्या बोल रहा है? मतलब अगर आप ना बना पाए वो 150 मेरे। 500 तो रखवा ले। 500 भी रखो, 500 मम्मा का, 150 मेरे। चलो चलो चलो। No, पापा, 500 तेरे मम्मी को रखना चाहिए। क्यों, मैं क्यों रखूं? अगर 15 मिनट में रेडी होए, अगर नीरू ने अगर 500 रुपए रख दिए ना 15 की जगह, तो मैं तो 10 विद चाय। रखो 500। रख लूंगी, हो गया भाई। चलो ठीक है, ले आओ। जाइश मेरा पर्स लेके ऊपर से, मैं देखता हूँ आज किसमें कितना है दम। 150 उठ गया, 500 का। नहीं नहीं, 150 मेरे है। ये रहा मेरा 500। अगर 15 मिनट में पकौड़े, 15 ही अभी पापा ने 10 बोला ना। नहीं नहीं, अगर पापा ने अभी बोला नहीं, कि नहीं। पैसे कटिंग वटिंग भी तो करनी है, गोभी के पकौड़े बनाने हैं। मजाक रहा, गोभी आलू के पकौड़े बनाने हैं। आज 15 मिनट में घड़ी देखे, 15 मिनट में अगर आपने चाय और आलू गोभी के पकौड़े नहीं बनाए, तो अगर बना दिए तो मेरा 500 जाएगा। अगर आपने नहीं बनाए 15 मिनट्स में, तो आप मुझे 500 और दोगे, इसमें ऐड करके 1500 होंगे। और मेरा मम्मा, तो ये ठीक है। ये चैलेंज रख दिया मेरे सामने 500 रुपए का, वो भी। चलो ये 500 में मैं 500 रखता हूँ आपके सामने, आप देखना। ये है कि ये 500 कौन ले जाता है। ये हो गया 1000 का, नीरू ने हाथ रखा है चैलेंज, वो भी मेरे आगे। अब 15 मिनट, 15 मिनट में पकोड़े रेडी। चलो जाओ, टाइम दिखाओ। टाइम मैं दिखाऊंगा, उधर दिखा दो घड़ी।
स्टार्ट हो गया टाइम। टाइम स्टार्ट होता है ये 500 हम रखते ही था। 150 भी रखो। अभी हवा से उड़ेगा। 150 तो रख दो। ये चुप कर यार। ये निकाल लिया इन्होंने गोभी। ये देखो गंद नहीं खिलाना मुझे। मेरे ख्याल से हम हारेंगे। हाँ? पापा को अगर कोई भी चैलेंज दे देगा वो जब तक करेंगे नहीं तब तक हम नहीं मानेंगे। ले लो पापा जीतेंगे। हम नहीं जीतेंगे। 15 मिनट में गोभी के पकौड़े। मम्मी आपको क्या लगता है 15 मिनट में रेडी हो सकता है? चाय और पकौड़े खाने के लिए रेडी हो जाओ। सब कुछ धो के यूज करना है। तो मैं लेती हूँ ब्रेक। आयुष क्या पैसे हमारे होंगे? मम्मा देखो पैसे की तो कोई बात नहीं। हाँ। वो है घर के पैसे। अच्छा चाहे आप अभी किसने कहा था 150 रुपए मेरे कोई है। बात देखना आपका बेटा फ्लिप कर गया। कोई बात फ्लिप कर गया आपका बेटा एक सेकंड में। वो वैसे भी मैंने पापा को दे देने थे क्योंकि अच्छा। भी क्योंकि मैं देख रहे मम्मी फ्लिप कर गया एक मिनट में पापा का चमचा बन गया एक सेकंड में। सुनो पहले वैसे भी मैं इतने पैसे का क्या करूंगा मैं कुछ कर तो नहीं सकता। मेरे लिए 10 रुपए सही है। पापा आप कर सकते हो मैं आपके साथ हूँ आप करोगे जरूर। बिल्कुल मत हारना और पैसे अपने पास रखना। मम्मा ने बोला 1500 आपके आप कर सकते हो। जब मैं आपकी हेल्प करूंगा क्या करूँ? दादा पानी चला के यही से था ना मम्मा? हाँ यही से था। ये अपने पापा को कभी हारने नहीं देता। और क्या करना है? पापा ध्यान से हाथ में बेसन देख। बेसन कहाँ है? बेसन कहाँ है दादी? होता कैसे है वो? किस कलर का होता है? आटा होता पीला कलर का। ओए तेल की कढ़ाई में मत घुस जाना। कोई बात नहीं। अच्छा ये देखो ये आ गया दूसरा शेर। ये चला गया 8 में। ये कट चुके हैं आलू और वो कट चुके हैं गोभी। आयुष निकाल रहा है बेसन। खोल के देखो ना। हाँ जल्दी करो पापा। पहली बारी मेरा बेटा काम कर रहा है मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है। ओह माय गॉड मुझे लगता है जिंदगी में बर्तन पहली बार धोया ना मम्मी। ओहो जो बर्तन खा के नहीं उठाता ये अपना बर्तन। आज अपने पापा के लिए बर्तन धो रहा है। एक गंदे हाथ था इसका पहले हाथ धोले। पहले साफ किया मैंने हाथ। ये देखो ये पहली बारी जिंदगी में पतीला धोया इसने है ना मम्मी। 12 साल का हो गया पहली बारी पतीला धोया इसने। ये बेसन घोल ये ले पापा। देखो काम करते हुए देख के मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अरे मोटर क्यों नहीं चला? चला था। पूरे पकौड़े बनने चाहिए गंदा नहीं बनना चाहिए। धनिया नहीं डाला मिर्च नहीं डाला मुझे लग रहा है। सब डाला है मैडम सब डाला है। हाँ सब डाला है। लगता तो नहीं है। 12 मिनट बस आपके पापा हारने वाले सारे पैसे मेरे। पकोड़े रेडी भी हो गए। कहाँ हुए अभी? वो तो गए। हाँ हुए। हाँ यहाँ पूरे फैमिली को थोड़ा खिलाना था। यहाँ नीरू को खिलाने की बात हुई है। बस 2 आलू डालूंगा हो गए पकोड़े रेडी। अच्छा चाय भी हो गया। मम्मी चीनी कहाँ है? दुकान पे है। नहीं आया ना हम फेल कर देंगे ठीक है पकौड़े को। निकल जाएंगे बस। 7 में सुई था पूरे 10 में जाते हुए टेबल। बस वो जाने वाला है 10 में। चलो आपका ये भी मैं कर देती हूँ। चलो बस जाने वाला है 10 में चला गया डन हो गया है वो। चला के कौन ओ गाड़ी? अच्छा अपने बेटे को जिताने के लिए चाय हमें तो 20 मिनट तो काटने को लगता। उसने काट भी लिया बना भी लिया बस वो खा भी लिया। आलू के पकोड़े रेडी। पके नहीं है आलू के पकोड़े। हो गया गए हो पैसे का है? हार गए मोदी को टाइम। तुम्हारा दिमाग खराब है 10 से ऊपर कहीं गया है बेवकूफ। 10 से ऊपर हो मोदी को 11 हो गया। नहीं नहीं हैं चीटिंग हुआ मेरे पैसे वापस हो रहे हैं देख लो भाई। आप हारे हो 2 मिनट से। मम्मी हारेगी नहीं
ऑडियंस पता है कि हारे कि नहीं। साथ में सुई गई थी पूरे 10 से ऊपर क्रॉस नहीं हुआ। अभी भी दिखा दो, अभी भी वैसे भी वो पकोड़े और वो दिखा दो, अभी भी वैसे भी वो पीछे था। ये देखना और वो देखो, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? बिल्कुल। ये देखो अब पकोड़े आए हैं। चलो मेरे पकोड़े तो बन गए, चाय भी आ गई, मैं बैठ के खाती हूँ, मुझे बनाने तो नहीं पड़े। वो देखो सबसे पहले खाने तो ये आया थे, जस्ट पकोड़े स्वाद है कि नहीं? ठीक है, मिर्चा नहीं है। हाँ। नमक नमक ठीक है, ठीक ठीक है, मिर्च डाला नहीं था मैंने। राधिके आओ। पर मैं सही बात बताऊं, मुझे भूख लगी थी ना, तो मुझे अच्छा लग रहा है। आयुष कैसा लग रहा है बेटा? ओके ओके। कैसा है, स्वाद है? तूने तो कहा था मैंने खाना नहीं पकौड़े। आ रहे हैं और ये रख रहे हैं अपने भाई के लिए अलग से। इतना घपला हुआ है ना मेरे साथ, कोई पैसा नहीं दिया इन्होंने। दो मिनट से हारे हो तो हम पैसे क्यों दें? मेरा पैसा वाला तो अपना उठाया हुआ था डर के मारे। ऐसे लोग है, जीत करके दो मिनट हरा दिया मेरे को, अब जाके 11 में गया सुई। तो एक मिनट आगे चला गया वो। फिर इससे निकाला हुआ टाइम भी, सब्जी निकाला हुआ टाइम, वॉश किया हुआ इन्होंने वो कर लिया। वो तो काउंट करना ही है, मेरा मास्टर सेफ में भी यही होता है। मेरा दिल दुख रहा है बहुत। दिल को नहीं बोलेंगे, मुझे मोमोज पुकारे आजा। बोल गप्पे तो बोले एक प्लेट खा जा, मोटा मोटा समोसा पीछे पिज्जा भी पड़ा, वो मुझे चाउमीन पुकारे आजा। ये कहाँ से सीखा तूने गाने? सो गाइस, आज मम्मी ने पालक और घी की सब्जी बनाई और बहुत ही स्वाद थी। जब मैंने मम्मी से रेसिपी पूछा तो आप मेरे होश उड़ गए और आपके भी होश उड़ जाएंगे। आप सुनना चाहोगे तो चलते हैं मम्मी के पास। बताना मम्मी आपने कैसे बनाई पालक और घी की सब्जी। ये यूट्यूब की कमाल है। हाँ। मैंने फोन में माइक में बोला कि पालक की सब्जी और घी की सब्जी इकट्ठे बन सकती है, उसने धड़ाधड़ निकाल दिया, मैंने फड़ाफड़ बना लिया। ये तो सच्ची सच्ची मम्मी देखते रहते ना एड में कि बोलने से सब कुछ मिलता है। हाँ। बोलने से क्या नहीं मिलता, फोन में बोला सब कुछ मिला मेरे को। शाम हो चुकी है इवनिंग और अब मैं जा रही हूँ क्लास देने। अब मैं आऊंगी रात को, जब मेरे हस्बैंड मुझे लेने आएंगे। तो हम अपने अपने काम से वापस आ रहे हैं घर के लिए, तो अब हम रास्ते में रुके हैं गोलगप्पे खाने के लिए। कैसा है टेस्ट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फाइनली अब मैं घर पहुंच चुके हूँ। तो आई होप गाइस आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।